जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत जन्नत से कफन लेके आते हैं और फिर वो इसके कान में आके कहता है, ऐ पाकीजा रूह सही निकलो, अल्लाह की मगफरत और अल्लाह की खुशनूदी की तरफ निकलो। अल्लाह, फिर वो तो फौरन निकलती है ना, तो निकलने के लिए फिर देर ही नहीं लगती और वो जैसे पानी की मशक भरी हुई है तो बंद खोल दिया जाए वो निकल जाती। मोमिन के अलावा काफिर और मुनाफिक की मौत के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम से बदबूदार कफन लेके आते हैं। वो जो मलकुल मौत है वो इसके कान में आके कहता है नापाक रूह निकलो, अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह के गजब की तरफ निकलो। आप अंदाजा करें जिसको ये कहा जाए और इधर दुनिया में पड़े हुए उसको ये खबर मिल जाए कि अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह का गुस्सा मेरा इंतजार कर रहा है तो वो क्यों निकलेगी। जी हां जी हां। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फिर जिस्म के अंदर छुपती फिरती है तो फिर फरिश्ते जो हैं वो फिर उसको खींच कर निकालते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर इसकी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान फरमाई, जिस तरह से गीली ऊन हो और उसके अंदर गर्म सिलाई लोहे की रख दी जाए और फिर उसको खींचा जाए एक तरफ, हमारे इस तरह फरिश्ते जो है उसकी जान निकालते हैं।